खबर मिल रही है आजाद नगर भाभरा से। शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूलों को चला रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। आदिवासी किसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर है। शिक्षा के नाम पर आदिवासी समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। कई सरकारी योजनाएं भी निकाली है, जैसे कि ड्रेस फ्री, किताबें फ्री में बांटना, माध्यान्ह भोजन देना, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके व आगे बढ़ सके। पर कुछ विद्यालय में शिक्षक अपनी मनमानी से विद्यालय चला रहे हैं। जब उनकी मर्जी हुई स्कूल खोल लिया और जब उनकी मर्जी हुई तो बंद कर दिया। कहीं कहीं पर तो शिक्षक अपनी मर्जी से विद्यालय की छुट्टी तक रख देते हैं। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत झीरन की प्राथमिक विद्यालय AGS गजरिया फलिया का सामने आया है, जहां पर अतिथि शिक्षक ने बिना कोई सरकारी आदेश के बच्चों की छुट्टी कर दी। तो वहीं विद्यालय की हालत देखकर कोई भी ये कहेगा कि यहाँ विद्यालय है या खंडर। बच्चों की जगह विद्यालय के अंदर कुत्ते घूमते हुए नजर आए। वहीं बात करें प्राथमिक विद्यालय चौकीदार फलिया छोटी मिर्यावाट की, तो यहाँ पर स्कूल बंद पाए गए। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि जब से स्कूल चालू हुए हैं तब से स्कूल खुली ही नहीं। तो वहीं बात करें ग्राम चापरी पंचायत अमनकुआ की, तो यहाँ के आदिवासी किसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर है। प्राथमिक विद्यालय चापरी में 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, पर बच्चों को ना तो छात्रवृत्ति मिलती है, ना ही मुफ्त में किताबें मिली और ना ही ड्रेस दी गई। और तो और सरकार की ओर से जो मूंग वितरण के लिए आए थे वहां तक नहीं दिए। चापरी के ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में शिक्षक शराब पीकर आता है और अपनी मर्जी से चला जाता है। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर 15 से 20 बच्चों ने इस सरकारी स्कूल से अपना नाम कटवा कर प्राइवेट स्कूल में अपना नाम दर्ज करा दिया। विद्यालय में ना ही रंगाई पुताई की गई है, विद्यालयों की हालत जर्जर हो गई है। बाथरूम की हालत भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। विद्यालयों के बात जब खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कोरी से की गई तो हम जांच करते हैं कहकर बात टाल दी गई। आपको बता दें कि इन विद्यालयों के बारे में कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह को भी आवेदन दिया गया है था। आजाद नगर भाभरा से जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। आपका नाम? नानका। कौन सा गांव है ये? चापरी। चापरी, क्या समस्या है यहाँ स्कूल की? स्कूल ने समस्या कोई और कपड़ा नहीं दे रहा है और वो बढ़ाता नहीं मास्टर सर, सातरावा से भी नहीं मिल रही। अच्छा, मतलब ड्रेस भी नहीं दिया यहाँ पर, कापी किताबें भी नहीं दी और पढ़ाते भी ढंग से नहीं है। कौन है यहाँ पर मास्टर? नवल सिंह। नवल सिंह दारू पी के बैठते हैं यहाँ? दारू पी के बैठता है। और तुमने क्या तुम्हारे छोरे उनको यहाँ से हटा के कहा प्राइवेट स्कूल में कर दिया है? कितने छोरे, कितने लड़के यहाँ से प्राइवेट स्कूल में गए? खूब लाइक है। 20 लड़के यहाँ से। और अपने क्या बोलते रहे, खाना वगैरह यहाँ पर बढ़िया मिल रहा है? तो मिल रही हो, खाला मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और पढ़ाई कैसी हो रही है यहाँ पर? कहाँ से कहाँ तक किया ये स्कूल? मिडिल, 8वीं से। पहली से 8वीं तक? बगरमा
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.